ये एक्सटर्नल फिल्टर है, यहाँ से ऑयल नीचे से एक्सटर्नल फिल्टर में आ गया, यहाँ से ऑयल फिल्टर होने के बाद फिर आज हम लोग बात करेंगे कि स्क्रू कंप्रेसर जो होता है हमारा, ये वाला स्क्रू कंप्रेसर किसी भी चिलर का, उसमें ऑयल की लुब्रिकेशन कैसे होती है। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि जो स्क्रू कंप्रेसर है उसमें ऑयल की लुब्रिकेशन हमें बताइए कि कैसे होती है। तो मैं आज आप लोगों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें ऑयल की लुब्रिकेशन कैसे होती है, ताकि हम लोग अगर कहीं पे काम करें या इंटरव्यू देने जाएं या फिर हम लोग काम की ट्रेनिंग लें, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कंप्रेसर आखिर चलता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल होता है पार्ट्स, जो कि लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो मैकेनिकल पार्ट्स टूट जाएंगे, फ्रिक्शन पैदा होगी, गर्म होगा और टूट जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो चिलर है वो ख़राब हो जाएगा, चिलर नहीं चलेगा, कूलिंग नहीं होगी, चाहे वो कोई सा भी चिलर हो, एयर कूल्ड हो, वाटर कूल्ड हो। अगर आपके वहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर है तो उसकी लुब्रिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों सब भी शेयर करें। और अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पर, खास करके मैं चाहता हूँ वीडियो बनाना, तो आप लोगों के दिल में मन में जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को बताना कि ये जो आप देख रहे हैं ये कैरियर का 30GX चिलर है, और इसके अंदर जो ये हमारा कंप्रेसर है, कार्ले का कंप्रेसर है, ये इसको कंप्रेसर है। लेकिन आपके पास मान लीजिए कि कैरियर का 30XA है या कैरियर का दूसरा कोई चिलर है जिसमें स्क्रू कंप्रेसर है, या ट्रेन का स्क्रू कंप्रेसर है, कोई सा भी स्क्रू कंप्रेसर होगा, तो यही मेथड, यही प्रिंसिपल आपको काम आएगा। आप लोग ध्यान से देखें। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, अपने दोस्त से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके दिखाएं कि जैसे आप लोग देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन भी होती है। हर कंप्रेसर में एक सक्शन और एक डिस्चार्ज बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना कूलिंग संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसकी डिस्चार्ज लाइन है, और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये सक्शन लाइन है इसका। गैस यहाँ से वेपर जो होता है वो कूल वेपर वापस आता है कंप्रेसर में, और यहाँ से ये डिस्चार्ज निकालता है। अब मैं थोड़ा और नज़दीक कहूँगा अपने दोस्त से, ला के दिखाएँ। यहाँ पे देखें, ये जो आप लोग अंदर से दिखा देता हूँ मैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं लाइन, ये वाली लाइन, ये ऑयल की है। हर कंप्रेसर में आपको एक ऑयल की लाइन मिलेगी। मैंने आपको जैसा बताया, ये पीछे की साइड में ऑयल की लाइन है, और ये ऑयल का फिल्टर यहाँ पे इंटरनल एक लगा हुआ है। कई बार इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं, और यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, कहीं कहीं पे सिर्फ आपको एक्सटर्नल भी मिल सकता है। यॉर्क के चिलर में आपको इंटरनल मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको कंप्रेसर दिखा दिया, इसका डिस्चार्ज कहाँ जा रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देखें, ये डिस्चार्ज जो कंप्रेसर का था, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, वो देखें सामने ये पाइप जो है डिस्चार्ज जो कंप्रेसर का है वो कहाँ पे आ रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर किधर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ, वहाँ जा रहा है अंदर इस टैंक में। ये ऑयल टैंक है, इसको आप लोग ऑयल सेपरेटर ऑयल टैंक बोल सकते हैं। वहाँ से इसके अंदर हाई प्रेशर का जो गैस है वो आता है, तो ऑयल, जो ऑयल का लाइन मैंने आपको छोटा वहां दिखाया था, उससे इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर इंटर किया, लुब्रिकेशन हुई, और बाद में वो ऑयल गैस के साथ इस टैंक में आता है। हर चिलर में, स्क्रू चिलर में खास करके आप लोगों को जरूर मिलेगा ऑयल टैंक। ऑयल टैंक में आने के बाद गैस फिर यहाँ से दूसरे लाइन से ये कंडेंसर के अंदर, इस तरीके से यहाँ आप लोग देख लें, कंडेंसर के अंदर चला जाता है। तो अब हमारा ऑयल क्या होता है, यहाँ से नीचे बैठ जाता है, वो गैस के साथ ऑयल टैंक में रह जाता है, और गैस के साथ नहीं जाता है, और गैस कंडेंसर में चला जाता है कंडेंसेशन के लिए। अब यहाँ से जो दूसरा रोल है वो स्टार्ट होता है क्या, यहाँ पे आप लोग नीचे एक वाल देखें, ये देखें, यहाँ से ऑयल नीचे बैठता है इस टैंक के नीचे, और इस टैंक से ऑयल, ये हमारा जो एक्सटर्नल फिल्टर है, ये देखिए, ये एक्सटर्नल फिल्टर है, यहाँ से ऑयल नीचे से एक्सटर्नल फिल्टर में आ गया, यहाँ से ऑयल फिल्टर होने के बाद फिर यहाँ आया, और ये एक मोटर लगा हुआ है जो ऑयल का मोटर है, लेकिन किसी किसी में रहेगा, किसी किसी में नहीं भी हो सकता है, आप लोगों को ध्यान से देखना है कहीं भी अगर आप लोग काम करेंगे तो। यहाँ से जब ये चिलर स्टार्ट होता है तो पहले ये मोटर स्टार्ट होता है, ताकि जो कंप्रेसर है उसमें पहले से लुब्रिकेशन थोड़ी सी हो जाए, फिर कंप्रेसर इसका स्टार्ट होता है, ये 30GX कैरियर का, तो ये स्टार्ट होता है। उसके बाद जब तेल यहाँ से खींच के और ये कंप्रेसर में फेंक देता है उधर, उसके बाद
कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है, तो कंप्रेसर के लिए लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ से ये सर्कुलेशन, ये जो लाइन है, ये लाइन फिर वापस कंप्रेसर के अंदर जा रही है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। तो इस तरीके से ये डिस्चार्ज से इसका ऑयल आया, ऑयल सेपरेटर में गया, और ऑयल सेपरेटर से वहां से ऑयल सेपरेट होके, और फिर ये ऑयल का लाइन सेपरेट दे दिया गया, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पतली वाली जो लाइन है, ऑयल का लाइन सेपरेट हो गया, और यहाँ से वो कंप्रेसर में, देखिए वहाँ दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पे ये कंप्रेसर के अंदर फिल्टर होके, वहाँ पे भी एक फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर होके वहाँ अंदर जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो ऑयल की साइकिलिंग पूरी होती है, सर्कुलेशन पूरी होती है, और इस तरीके से ये लुब्रिकेशन होता है स्क्रू कंप्रेसर। और फिर मैं बता देता हूँ कि कोई सा भी चिलर होगा, यॉर्क का चिलर होगा अगर स्क्रू कंप्रेसर है, कैरियर का चिलर होगा अगर स्क्रू कंप्रेसर है, या कोई से भी ब्रांड का होगा चिलर, उसमें अगर स्क्रू कंप्रेसर है तो उसमें ऑयल टैंक, ऑयल सेपरेटर जरूर होगा। और कई सारे चिलर में बिना मोटर के सिर्फ डिस्चार्ज प्रेशर से ही ऑयल सर्कुलेट करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो प्रॉपर समझ में आई होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई जिनको इसकी ज़रूरत है वो लोग देख सकें और कुछ सीख सकें। और अगर आप लोगों के दिल में, फिर से मैं बताता हूँ, कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी तरह का प्रश्न हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।